से आने के बाद ये जो व्यू देख रहे हो ना, बिल्कुल व्यू आपको मिल रहा है उस साइड पे एकदम। जो व्यू मिल रहा है वो बांग्लादेश है। ठीक है, बस आपको एक चीज़ दिखाना था, ये जो पत्थर का लाइन है ना, उस साइड पे है बांग्लादेश। हम पास में आ गए बॉर्डर के, और बॉर्डर के पास से हम जा रहे क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। हेलो एवरीवन, कैसे हो, क्या हाल है। मैं बात कर रहा हूँ आपका संदीप भाई। सो गाइस, फिर से स्वागत है और एक नए ब्लॉग पे। और आज का जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग मेघालय ट्रिप का डे 6 होने वाला है। और अभी चेरापूंजी हमारा जो रिसोर्ट है पाला रिसोर्ट पे, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ डाउकी की तरफ। डाउकी घूमेंगे, वहाँ पे एक ब्रिज है वहाँ पे भी जाएंगे, और एक क्लीनेस्ट विलेज है वहाँ पे भी जाएंगे। विलेज का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो बाद में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी सुबह के कुछ 8:30 बज रहे हैं, और अभी मैं बाइक रेडी कर चुका हूँ राइड पर जाने के लिए। तो यहाँ से अभी तो ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से सीधा निकलेंगे डाउकी की तरफ। तो चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट पे आज क्या है। यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया, और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरी सब्जी, फ्रूट्स था और जूस भी था। तो ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद राइड चालू कर दिया था मैं। आज राइड का डे 6 है, और जब मैं मेघालय का प्लान बना रहा था घर में, तो मैंने ना बारिश के लिए कुछ अलग सा प्रिकॉशन लेके आया था, ताकि कोई भी सामान गीला ना हो। बट ट्रस्ट मी, अभी तक कोई बारिश मिला ही नहीं मुझे। चेरापूंजी पे ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुका है हमारा, फिर भी बारिश का कोई ज्यादा पता नहीं मिला। अभी ना यहाँ का क्लाइमेट शायद बहुत चेंज हो गया है। यहाँ का टेम्परेचर अभी मान के चलो 26-27 टेम्परेचर है। मैंने जो सोचा था कि चेरापूंजी में मैक्सिमम बारिश होता है, बट नहीं मिला। अच्छी बात यही है कि वेदर बहुत अच्छा रहा। ऐसा मौसम देखने को मिलेगा चेरापूंजी पे, मैंने सोचा नहीं था। ऐसा मौसम पे फोटोशूट करने पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना क्लियर स्काई आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा समय होने लगा बेकाबू, थोड़ा सा तूने भी तो किया है इशारा। चेरापूंजी जाने के टाइम आपको एक ऐसा वैली देखने को मिलेगा, और वहाँ से बंजी जंपिंग भी होता है। ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत भीड़ है, रुकेंगे नहीं, बस यही व्यू देखना है। आप नीचे जाके भी देख सकते हो। तो चलो, हमें तो जाना है बहुत दूर। अभी आप जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये पहाड़ इंसान ने तोड़ के इसका पत्थर लेके इस पहाड़ को पूरा ख़त्म कर दिया है, देख रहे हो। इसी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ, पूरा पहाड़ ही खत्म कर दिया है पब्लिक ने। वेलकम टू मलिंगलोंग, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। कितना सर एंट्री फी? 100 पर पर्सन। अच्छा, 50 करके पर पर्सन है। यहाँ पे प्लास्टिक टोटली बैन है। यहाँ पे अगर प्लास्टिक का कोई सामान डस्टबिन में मिलता है ना, तो वो भी यहाँ से लेके किसी दूर पे जाके डिस्ट्रॉय करता है यहाँ के लोग। यहाँ पे पार्किंग है, नो एंट्री फॉर टूरिस्ट व्हीकल। पर कैसे जाए बाइक लेके, यहाँ से बाइक लेके जा सकते हैं? सो गाइस, यहाँ पे मैंने पूछ लिया कि यहाँ पे बाइक लेके आ सकते हो नहीं, तो किसी ने बताया कि आप जा सकते हो एग्जिट पॉइंट टू स्काई व्यू पॉइंट, यहाँ पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं। सो गाइस, आ चुके एशिया का क्लीनेस्ट विलेज मलिंगलोंग पे। वहाँ पे बाइक पार्क करके यहाँ पे नारियल पानी पी रहे हैं, यहाँ पे सेल हो रहा है। और उसके बाद वहाँ पे कुछ स्काई व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाके देखेंगे क्या है। सो गाइस, ऊपर जाने के लिए 10% एक साथ जा सकता है, 30 रुपीज़ पर हेड टिकट है। और ये सरदार जी ने हमारा टिकट काट दिया है, तो थैंक यू सरदार जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। ऊपर हम लोग जाएंगे इस बैम्बू की सीढ़ी के ऊपर से, और ये जो सीढ़ी है ना, ये टोटली बांस का जो रस्सी है उससे बना हुआ है, टोटली बांस का है। इस पे कोई भी पेड़ वगैरह नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसा है, तो ऐसा है सीढ़ी, पूरा एक कटहल के पेड़ के ऊपर है। ऊपर जाके देखना होगा क्या है। सो ऐसे करके आना होगा, और ऐसे करके चढ़ना होगा ऊपर। ये बहुत एक डिफरेंट चीज़ है मेरे लिए, पहली बार ऐसा ट्रैकिंग कर रहा हूँ।
पैर के ऊपर बैम्बू ट्रैकिंग, वो रहा सामने व्यू पॉइंट। बस यही सीढ़ी मुझे चढ़ना है और वहाँ पे जाके मैं व्यू देख सकता हूँ। और ये रहा कुछ ऐसा सीन, नीचे वहाँ पे था मैं और वहाँ से चढ़ के ऐसे करके यहाँ पे आ गया। चलो ऊपर चलते हैं। सो गाइस, यहाँ से आने के बाद ये व्यू आपको देखने को मिलेगा ऊपर जाके, और सामने का व्यू देखो आप। सर आप थोड़ा वीडियो पे आ जाओ। तो गाइस, ये सर ने मेरा फीड किया, थैंक यू सर। और सर फैमिली के साथ आए, कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। कहाँ तक, कहाँ तक घूमे अभी तक? अभी तो यहीं पे आए, शुरुआत की है। से कंप्लीट करके यहाँ से शिलोंग जाएंगे। ओके ओके, अभी शिलोंग में आए हैं। तो चेरापुंजी घूमा, बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे। तो चलो, ये सर लोग मुंबई से हैं और हम लोग तो कोलकाता से। तो ये व्यू आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। आपको उस साइड पे जो व्यू मिल रहा है वो बांग्लादेश है, ठीक है? वो साइड टोटली बांग्लादेश है। और ये रहा कुछ व्यू। सो गाइस, डाउ की तो इस साइड पे है और ये जो आप तार काटा देख रहे हो ना, बैरिकेड के उस पार है बांग्लादेश, ठीक है? तो हम लोग तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, मतलब इस रोड पे तो नहीं जाएंगे। अभी हम डाउकी पे जाएंगे और डाउकी पे ना बांग्लादेश के टूरिस्ट भी आते हैं, और डाउकी पे कुछ हिस्सा शायद बांग्लादेश के उस पार भी है। तो यहाँ से इंडिया का बॉर्डर आप देख सकते हो, ये है इंडिया का बॉर्डर, ये देखो एकदम पास में आ गए बॉर्डर के, और बॉर्डर के पास से हम जा रहे। सो गाइस, अभी डॉकी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे एक ब्रिज मिला, सुंदर सा वाटरफॉल आपको देखने को मिल रहा है। अभी उस साइड पे है बांग्लादेश और यहाँ से जाना होगा डॉकी की तरफ। बस पहुँचने ही वाले और बहुत जैम था रोड पे। तो ये डॉकी का ब्रिज, पानी तो अभी उतना क्लीन नहीं है। तो चलो देखते बाइक कहाँ पे पार्क करते हैं। बाइक पार्क करने के बाद यहाँ से नीचे जाना होगा बोटिंग करने के लिए, और यहाँ पे कार आप बाइक पार्क कर सकते हो आप। तो यहाँ पे बहुत सारा दुकान है खाने के लिए, और ये टोटली सुपारी बागान के अंदर है ये जगह। और चलो देखते आगे क्या है। सो गाइस, ये है डाउकी रिवर। अभी तो मज़ा नहीं आ रहा है इस रिवर पे, क्योंकि इसका पानी और भी क्लीन होता है, ठीक है? अभी तो इतना क्लीन नहीं है, इसके नीचे जो भी रहेगा ना वो दिखता है, इतना क्लीन होता है इसका पानी। तो देखेंगे बोटिंग का क्या चार्ज है, क्योंकि आज ना बहुत टायर्ड है, पता नहीं क्यों बोटिंग करने का भी मन नहीं है। बस यहाँ पे आके कुछ फ़ोटो लेना है, इसीलिए आया था। सो गाइस, आपको एक चीज़ दिखाना था, ये जो पत्थर का लाइन है ना, उस साइड पे है बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश से अचार सेल हो रहा है। वो जितने भी लोग हैं वो सारे बांग्लादेश है, ये सारे बांग्लादेश के लोग हैं ना। वो बांग्लादेश सिगरेट सर, बांग्लादेश इंडिया वाला टूरिस्ट, उधर बांग्लादेश अनेक फ्लेवर सिगरेट से स्मोकिंग ये अचार दादा, बांग्लादेश बोले ना सर फ्लेवर सिगरेट, ये तो आइसक्रीम बांग्लादेशी सिगरेट। बांग्लादेशी झालमुड़ी कितने का है ये? 50 रुपया का। 50 रुपया एक दे, एक दे, एक तो दाओ बांग्लादेश। हाँ हाँ, तो लंका दे दाओ, भालो कर माखी तो बांग्लादेश मुड़ी। सो गाइस, मैंने ले लिया बांग्लादेशी झालमुड़ी। लास्ट पॉइंट रहा इंडिया का, और यहाँ पे इंडिया का फ्लैग है और वहाँ पे बांग्लादेश का फ्लैग। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो लिया है, बहुत अच्छा लगा। बोटिंग के लिए यहाँ पे आप टिकट ले सकते हो, 800 है बोटिंग का चार्ज, 3 पीपल, 45 मिनट्स राइड होगा। तो हमने बोटिंग नहीं किया है क्योंकि उतना अभी एनर्जी नहीं है बोटिंग करने का। इस डाउकी से जब आप शिलोंग की तरफ आओगे ना, तो करंगसुरी जो करके जो
फॉल्स है, उस फॉल्स का जो रोड है उसी रोड से आप आओगे तो आपको इतना सुंदर व्यू मिलेगा ना। अभी मैं उसी रोड से जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये रोड। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं फॉरेन पे आ चुका हूँ। तो गाइस यहाँ का चारों तरफ का पहाड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे बाइक राइड करके भी बहुत मजा आ रहा है। सुनसान सड़क है, इतना सुंदर व्यू है, क्या बताएं, पैसा उसूल राइड हो रहा है आज। इतना सुंदर लग रहा है देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। One hour later. मुझे रोड के पास में एक रूम मिल गया, ओडीसी रेसिडेंसी, और इस जगह का नाम बताया कुछ जोहर करके कुछ है, तो अभी तो ये बन रहा है ऊपर, बट मेरा रूम अच्छा मिला। यहाँ से ट्रैक करते हुए अभी मैं जा रहा हूँ फिर वाटरफॉल्स के सामने, व्यू पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन सुंदर है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। फॉल्स के सामने एक हादसा हो गया, बाइक गिर गया था, ये देखो गोप्रो गिर के अलग हो गया, गोप्रो मेरे पास है अभी।